अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन नंबर 8 चतुष्कोण चार जिले। इससे पहले हमने इसके बारे में बहुत सी मिसालें हल की, 8.1 भी मैंने आपको मसला हल करवा दिया। अब आज हम देखेंगे, हाँ लेकिन उससे पहले मैंने आपको जो हल करवाए थे वो क्या दिए थे कि समांतर चतुष्कोण के सामने सामने के खोणे कैसे होते, आमने सामने के खोणे मसावी होते। लेकिन आज हम यह मसला देखेंगे कि समांतर बाजू चतुष्कोण में सामे सामेली बाजू समान होए छे, यानी कि चार जिलाई मुतवाजुल अजला में आमने सामने के अजला मसावी होते हैं। क्या है कर दूं मैं कि चार जिलाई मुतवाजुल अजला में आमने सामने के जो अजला है वो कैसे होते हैं, मसावी होते हैं। इस मसले को हमको याद करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि दिया हुआ है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, दिया हुआ है या फिर मतलू मफरूज में लिखा दी थी आपको, वो भी लिख सकते हैं आप। तो दिया हुआ क्या है हमारे पास कि ए बी सी डी, देखो ए बी सी डी, तो ए बी सी डी चार जिलाई मुतवाजुल अजला है। ये हमको दिया है कि ए बी सी डी चार जिलाई मुतवाजुल अजला है। अब हमको साबित क्या करने का है यहाँ पर, जैसा मैं लिखा देती हूँ मफरूज मतलू, साबित करना है हमारे को। तो क्या साबित करना है कि ए बी किसके बराबर है, डी सी के। क्या साबित करने का है, मैंने पहले क्या कि आमने सामने के अजला, तो ए बी जो अजला किसके बराबर है, डी सी के। तो ए बी बराबर सी डी या डी सी, और ए डी बराबर क्या आएगा, बी सी। बड़ी समझ। और ए सी इसकी क्या कहलाएगी, खते तो काते। अब इसकी वजह से मेरे पास मुसल्लस देखो कौन से बनेंगे, ए बी सी है ना। तो सबूत हम देंगे यहां से, क्या बनेंगे मैं कि मेरे पास कितने मुसल्लस बने, मुसल्लस ए बी सी, मुसल्लस ए बी सी, और दूसरा ए बी सी, और दूसरा क्या बना, ए बी सी, और मुसल्लस ए डी सी। ये दो मुसल्लस बने। अब ये दो मुसल्लस के अंदर देखो, अब देखो आ तस्वीर में देखो कि मुसल्लस ए सी डी, ए अभी मैं यू गई, अब मैं यू जाऊंगी, ए सी डी क्या देखूंगी मैं, एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी, देखो ए सी डी। तो अब उसके उल्टे आएंगे हम तो कौन सा बनेगा, सी ए डी क्या बनेगा, सॉरी सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी। ध्यान से देखो कि ये तो तुमको समझ पड़ जाएगी कि मुसल्लस ए बी सी और ए डी सी, लेकिन यहां पर देखो कि तस्वीर के अंदर ए सी डी, दिखा ए सी डी और सी ए बी, कहां से आऊंगी मैं, सी ए बी, ये दो मेरे पास एंगल बने। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि ए बी जो है ए बी मुतवाजी किसके होगा, देखो तस्वीर में ए बी मुतवाजी, ए बी मुतवाजी डी सी के होगा, ए बी मुतवाजी डी सी के, और ए सी बराबर क्या होगा, ए सी होगा ने, क्योंकि दोनों एक ही जे, ए सी बराबर ए सी, इसका भी ये है और इसका भी ये है, तो ए सी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए सी। अब हम देखेंगे कि एंगल डी ए सी, देखो एंगल डी ए सी, डी ए सी, और दूसरा कौन सा था मेरे पास एंगल डी ए सी के साथ में,
एंगल बी ए सी, सॉरी एंगल बी सी ए आएगा, बी सी ए, बी सी ए। तो अंदर हम देखेंगे कि बी सी किसके बराबर होगा, अभी हम यू आए थे अब यू जाएंगे, तो बी सी किसके पास समांतर होएगा, बी सी समांतर ए डी के होएगा, इसलिए बी सी समांतर ए डी, इसलिए मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस दूसरा कौन सा था, या फिर हम यूँ लिख सकते हैं कि मुसल्लस ए बी सी मुतमासिल होगा किसके, मुसल्लस ए डी सी डी ए के, सी सी डी ए के। तो ये साबित हुआ, इसलिए ए बी बराबर क्या होगा, सी डी होगा, और ए डी बराबर क्या होगा, ए डी बराबर बी सी साबित हुआ। तो ये हमारा मसला क्या था, मसला 8.2। देखो वापस मैं समझाती हूँ के हमारे को दिया है चतुष्कोण, यानी कि चतुष्कोण चार जिलाई ए बी सी डी, साबित करना है कि ए बी बराबर क्या होने चाहिए, डी सी, और ए डी बराबर क्या होने चाहिए, बी सी। मैंने यहाँ पर वितल्य ए सी लिया, तो अब इसकी वजह से मेरे कितने मुसल्लस बने, दो बने, एक बना ए बी सी और दूसरा बना मेरे पास ए डी सी, ये मेरे पास हो गए। लेकिन इसके अंदर ये दोनों मुसल्लसों के अंदर अब मैं जाविये देखूंगी, तो सबसे पहले मैं देखो इधर से आऊंगी नीचे से, तो ए नीचे से ऊपर जाऊंगी, ए सी डी, और दूसरा मेरे पास क्या आएगा, सी ए बी, ऊपर चढ़ी ऊपर से मैं नीचे उतरी, ए सी डी, और एंगल क्या आएगा दूसरा, सी ए बी, सी ए बी। तो ये दोनों के अंदर जो मेरा ए बी है ये किसके मुतवाजी होगा, डी सी के मुतवाजी होगा, इसलिए ए सी बराबर क्या होगा, ए सी, क्योंकि ए सी डी, और दूसरा मेरे पास क्या था, सी ए बी, तो दोनों के अंदर ए सी ए सी आया, इसलिए ए सी इज इक्वल टू मेरा क्या होगा, ए सी। चलो ये एक पद गया, अब हम देखेंगे एंगल डी ए सी, अब हम ऊपर से आएंगे एंगल डी ए सी, और दूसरा मेरे पास क्या आएगा, एंगल बी सी ए आया। अब इसके अंदर देखो कि बी सी जो है वो किसके मुतवाजी है, ए डी के मुतवाजी है, तो मुसल्लस ए बी सी, यानी कि मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस ए डी सी या सी डी ए, दोनों कैसे है, मुशाबे यानी कि मुतमासिल है, इसलिए हम साबित कर सकते हैं कि ए बी बराबर क्या होगा, डी सी, और बी सी बराबर क्या होगा, ए डी। ये हमारा साबित हुआ, ये हमारा प्रमेय कौन सा था, ये हमारा मसला था 8.2। अब इसके बाद में आपको जो सिखाऊंगी वो बस्ती नुक्ते के बारे में सिखाऊंगी, ये मसला हमको याद होना चाहिए और इसको हमको लिखना है।